गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे कि निम्नलिखित का क्या द्रव्यमान है। 0.2 मोल ऑक्सीजन परमाणु, 0.5 मोल H2O के अणु। तो देखिए, सबसे पहले हम ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार निकालना कितना होता है, सब जानते हैं। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान या कह सकते हैं परमाणु भार कह सकते हैं, परमाणु द्रव्यमान, ऑक्सीजन परमाणु है, ये अणु है, ठीक है। परमाणु सिंगल होता है तो उसका ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान तो एक होता है, लेकिन परमाणु भार कितना होता है, परमाणु भार कितना होता है, 16 होता है। तो ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना हो गया, 16 हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर लिखना है हमें 1 मोल। तो 1 मोल ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान, 1 मोल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान, परमाणु का द्रव्यमान, क्योंकि हमें द्रव्यमान निकालना है तो 1 मोल ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, ये 16 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर परमाणु द्रव्यमान 16 है तो 1 मोल ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान जितना ये होगा वो द्रव्यमान ग्राम में आ जाएगा, तो यहाँ पर 16 ग्राम हो गया, ठीक है। हमें निकालना है इसके लिए 0.2 मोल के लिए निकालना है, तो चूंकि क्या हो जाएगा, 0.2 मोल ऑक्सीजन ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान, ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 0.2 की गुणा कितने कर देंगे, 16 से कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 0.2 गुणा 16, तो ये कितना द्रव्यमान आ जाएगा, ये द्रव्यमान 32 ग्राम हो जाएगा, 32 ग्राम। तो यहाँ पर 0.2 मोल ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान लिखा, 0.2 मोल ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान पूछा गया है, तो द्रव्यमान कितना आया, 3.2 ग्राम हो गया। सबसे पहले ऑक्सीजन का हमने परमाणु का द्रव्यमान निकाल लिया, 16 हो गया, और यहाँ पर 16 द्रव्यमान किसका है, 1 मोल का तो है, केवल 1 ऑक्सीजन का तो है, तो 1 मोल ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान कितना है, यहाँ पर 16 ग्राम हो जाएगा। तो यहाँ पर 0.2 मोल के लिए पूछा गया ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान, तो 0.2 मोल ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 0.2 गुणा 16 हो जाएगा, तो कितना आएगा, 32 ग्राम हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, सेकंड क्वेश्चन है, 0.5 मोल H2 के अणु का द्रव्यमान निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले जल का आणविक द्रव्यमान निकाल लेंगे हम, अणुओं का होता है आणविक द्रव्यमान और परमाणु का होता है परमाणु द्रव्यमान, ठीक है। तो यहां पर आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान, जल का आणविक द्रव्यमान कितना हो जाएगा, जल का जो आणविक द्रव्यमान होता है ये हो जाएगा 2 गुणा 1 प्लस कितना हो जाएगा, 16, कितना जाएगा, 18 आ जाएगा, ठीक है बच्चों, 18 हो जाएगा। अब देखिए ये 18 कितने मोल का है, क्योंकि H2O में एक ही मोल तो है, तो यहाँ पर 1 मोल जल का, 1 मोल जल का, 1 मोल जल के 1 मोल का लिख सकते हैं, तो जल के 1 मोल का कौन सा द्रव्यमान, 1 मोल का, 1 मोल अणु का द्रव्यमान, क्योंकि अणु है H2 अणु है, तो अणु का द्रव्यमान, या 1 मोल जल के अणु का द्रव्यमान ऐसे ले सकते हैं, जल के 1 मोल अणु का द्रव्यमान, या 1 मोल जल के अणु का द्रव्यमान ऐसे ले सकते हैं, कितना आया यहाँ पर, जितना अणु द्रव्यमान होगा, तो यहाँ पर 18 ग्राम हो जाएगा, ये अणु का द्रव्यमान हो गया। हमें निकालना किसके लिए, 0.5 मोल के लिए निकालना है, तो 0.5 मोल जल का जल के 0.5 जल के कितने निकालना है, 0.5 मोल
5 मोल अणु का द्रव्यमान, अणु का द्रव्यमान। तो बच्चों सेंटेंस कैसे लिख सकते हैं, 0.5 मोल जल के अणु का द्रव्यमान ऐसे लिख सकते हैं, 0.5 मोल जल के अणु का द्रव्यमान, या जल के 0.5 मोल अणु का द्रव्यमान ऐसे लिख सकते हैं। तो आप दो प्रकार से लिख सकते हैं इसे। कितना हो जाएगा, 0.5 मोल का निकालना है हमें, और जल का जल के एक मोल अणु का द्रव्यमान कितना है, 3 है। तो ये कितना हो जाएगा, ये जो मान आ जाएगा, तो ये मान कितना जाएगा, 9.0 मोल जाएगा, 0 ग्राम हो जाएगा, या 9 ग्राम कह सकते हैं इसके लिए। तो ये 0.9 ग्राम आ गया, या ऐसे 9 ग्राम कह सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने अभी निम्नलिखित का द्रव्यमान है, आप 0.2 मोल ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान निकाला, 0.5 मोल H2O के अणु का द्रव्यमान निकाला। तो सबसे पहले ऑक्सीजन के परमाणु का द्रव्यमान निकालिए, कितना आएगा, 16 आएगा। तो हमने 16 निकाल लिया। अब यहाँ पर एक मोल ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान 16 ग्राम हो गया, तो 0.2 मोल ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान 0.2 और बड़ा 16, कितना, 32 ग्राम हो जाएगा। और यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है, जल का आणविक द्रव्यमान निकालेंगे, H2 सूत्र होता है, तो 2 × 1 + 16 हो जाएगा, 18 हो गया। तो जल के एक मोल अणु का द्रव्यमान 18 ग्राम हो जाएगा, द्रव्यमान ग्राम में लिख देंगे हम यहाँ पर। तो जल के 0.5 मोल भी पूछा गया है, 0.5 मोल H2O के अणु का द्रव्यमान पूछा गया है, तो जल के 0.5 मोल अणु का द्रव्यमान 0.5 गुणा कितना हो जाएगा, 18, तो कितना जाएगा, 9.0 ग्राम, या 9 ग्राम कह सकते हैं इसके लिए। तो बच्चों इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।